मंत्री हरदीप सिंह डंग ने कांग्रेस पर तंज कसा है। कांग्रेस के किसान आंदोलन पर दम भरने पर हरदीप सिंह डंग का कहना है कि कांग्रेस का रिवर्स गियर लग चुका है और ये बात उसके विधायक और कार्यकर्ता भी अच्छी तरीके से जानते हैं। कांग्रेस पार्टी में व्यक्ति और बीजेपी में संगठन काम करता है। प्रदेश में सरकार गंवाने के बाद भी कमलनाथ पीसीसी चीफ और नेता प्रतिपक्ष के पद पर काबिज हैं। ऐसे में विपक्ष मजबूत कैसे होगा। नवकरणीय ऊर्जा और पर्यावरण मंत्री डंग ने बताया है कि उनका विभाग सोलर एनर्जी के क्षेत्र में तेजी से काम कर रहा है और नदियों को दूषित करने वाली जगहों को मार्क करके कार्रवाई की जाएगी। मंत्री हरदीप सिंह डंग से खास बातचीत की हमारे संवाददाता निर्मल सिंह बैस ने। नवकरणीय ऊर्जा और पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग हमारे साथ हैं। डंग साहब, मुख्यमंत्री चौथी पारी में धुआंधार खेल रहे हैं और नवाचार की भी बात कर रहे हैं, क्या लाइन ऑफ एक्शन है, क्या रोडमैप है आपके विभाग का? सबसे पहले तो धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो लगातार एक अंतिम व्यक्ति को कैसे फायदा पहुंचे और मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर, जो मोदी जी का सपना है आत्मनिर्भर भारत, वही सपना मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो देखा गया है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका इस विभाग की भी हो जाती है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर बनाने के लिए सोलर ऊर्जा के प्लांट ज्यादा से ज्यादा डलें, जिससे एक उपभोक्ता को सस्ती दर पर विद्युत मिल सके, उसके बाद पर्यावरण में भी बचत हो सके। पर्यावरण विभाग को लेकर आपकी क्या सोच है, क्योंकि पर्यावरण का देखा जाए तो हरियाली और पर्यावरण सीधे जुड़े हुए हैं, कुछ हरियाली बनाने के लिए कोई उपाय किए जा रहे हो और देख रहे हैं आपकी पूरे ग्लोबली देखा जाए तो टेम्परेचर का इजाफा हो रहा है। जी जी जी, उसमें ये सबसे बड़ी बात है, ग्लोबल के जो रूप में देखा जाए तो आज पेट्रोल डीजल कोयला जो उपयोग में हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आज जो किसी जमाने में सूर्य को हम बहुत महत्व देते थे, आज सूर्य की ऊर्जा अगर इस प्रदेश को मिलेगी तो ग्लोबल के हिसाब से भी देखें, पर्यावरण के जो अभी दूषित हो रहा है उसके हिसाब से भी देखें और आगे जो इस विभाग की रणनीति जो चल रही है, एक दूषित जो वातावरण चारों तरफ से हो रहा है उसको, क्लाइमेट को कैसा अच्छा बनाया जाए, ये हमारी प्राथमिकता है। इसके लिए हमने प्लान भी बनाया है, नदियों का शुद्धिकरण कैसे हो, पर्यावरण में इजाफा जो शुद्धता कैसे आए, इसके लिए एक पूरा रोड मैप तैयार कर लिया गया है। आने वाले दिनों में आपको दिखेगा कि जो जहां पर गलत काम की थोड़ी सी भी हमें सूचना मिलती है हम उसको अभी चिन्हित कर रहे हैं और उन पे कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि पर्यावरण ही स्वास्थ्य के लिए सबसे और भारत और मध्य प्रदेश के लिए मजबूती का सबसे बड़ा कदम है। थोड़ी सी विपक्ष की भी बात कर लेते हैं, कांग्रेस देख रहे हैं इस समय आप भी कि किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग ले रही है, खुद ही कमलनाथ पीसीसी चीफ जो है वो भी ट्रैक्टर पर सवार होकर किसानों के समर्थन में रैली निकाले, क्या कहना है आपका? अब देखो कांग्रेस तो रही नहीं है, कांग्रेस तो खत्म हो चुकी है, वो ट्रैक्टर के खिलौने लेके दौड़े, जब उनके पास सरकार थी, जब उनको न तो अपने वादे याद आए, न कार्यकर्ता याद आए, न विधायक याद आए, आज वो जो थोड़ा बहुत प्रदर्शन कर रहे हैं उनको भी पता है कि कांग्रेस निरंतर जो रिवर्स गियर लगा है और ऐसी स्थिति में बोले वो कुछ भी करे, वो पब्लिक और जनता और कार्यकर्ता और उनके विधायक भी अच्छी तरह जानते हैं। लोकतंत्र में ये कहा जाता है कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए, अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो जो राजतंत्र जो है वो निरंकुश हो जाता है, या क्या आप क्या उम्मीद करते हैं, कुछ विपक्ष को मजबूत होना चाहिए कि और कमजोर होता चले जाए? देखो अध्यक्ष भी वो, विपक्ष के नेता भी वो, मुख्यमंत्री भी वो, तो कैसे विपक्ष मजबूत होगा, उनके पास जवाबदारी सब अपने उन्होंने अंडर में कर रखी है, किसी को देना नहीं चाहते हैं और जब देना नहीं चाहेंगे तो एक व्यक्ति सब काम नहीं कर सकता है, इसलिए उनकी मंशा ही नहीं है किसी भी प्रकार की के कांग्रेस या विपक्ष मजबूत कमजोर करने के लिए ही उन्होंने जो उनके पास जो आसपास जो मंडली है वो खाली कांग्रेस को नहीं, वो अपने आप को मजबूत करने में रहे, इसलिए कांग्रेस का ही हाल हुआ। इतना फर्क महसूस कर सके, आपने कांग्रेस में भी एक तेज तर्रार विधायक का काम किया है, अब बीजेपी की सरकार में मंत्री हैं, कितना वर्किंग में अंतर महसूस हो रहा है आपको? इसमें वहां पर व्यक्तिवाद था, यहाँ पर एक संगठन का अपना महत्व है, यहाँ पर संगठन पार्टी काम करती है और संगठन का जो मजबूती है भारतीय जनता पार्टी में, वो मेरा मानना है कि विश्व में सबसे बड़ा अच्छा
और मजबूत मजबूत संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, इसलिए यहाँ काम करने में कोई दिक्कत नहीं आती। तो उम्मीद की जाना चाहिए कि तेज तर्रार मंत्री जो है वो हरदीप सिंह डंग वो न केवल अपने विभाग को आगे बढ़ाएंगे बल्कि विपक्ष को भी कहीं ना कहीं डोमिनेट करते रहेंगे। कैमरामैन आशु खान के साथ निर्बल सिंह बैस, सौरा एक्सप्रेस, भोपाल।